जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम ज्योति चौरसिया, योर साइंस टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर द सॉइल। इन दिस पार्ट वी विल स्टडी अबाउट सॉइल इरोजन, कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन एंड सॉइल पोल्यूशन। सो वॉट इज द सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाई द एजेंट्स लाइक विंड एंड वाटर। यानी कि सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होना, यानी कि सॉइल का एक जगह से दूसरी जगह जाना ही सॉइल इरोजन कहलाता है। या तो वो वाइंड के थ्रू यानी हवा से उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाए, या पानी के थ्रू बहकर एक जगह से दूसरी जगह जाए। सॉइल इरोजन उन एरियाज़ में कॉमन है जहाँ पे स्टिप स्लोप्स हैं, जहाँ पे पेड़ बहुत कम है, यानी पेड़ को काट कर दिया जाता है। सॉइल इरोजन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, यानी सॉइल इरोजन जो है वो नेचुरल प्रोसेस है। या विंड बहुत तेज़ जब तूफान आती है उसके थ्रू जब मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है यानी बारिश हो जाती है तो पानी बहकर एक जगह से दूसरी जगह जाती है, नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन हमारी एक्टिविटी भी कुछ ऐसी है जिसकी वजह से भी सॉइल इरोजन ज़्यादा हो रही है, यानी ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे कि हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं जिनकी वजह से सॉइल इरोजन ज़्यादा फास्टर होता जा रहा है, ज़्यादा फास्ट होता जा रहा है। Causes of soil erosion. Wind and water are the main agents of soil erosion. यानी कि हवा और पानी soil erosion के main agents हैं, इनकी वजह से ज़्यादा soil erosion होता है। The amount of soil they can carry away is influenced by two related factor. यानी कि जितने amount में वो soil को बहा कर ले जा रहे हैं वो दो factors पर relate करता है। पहला speed of wind, यानी कि ज़्यादा wind तेज या हवा तेज़ ज़्यादा होगी तो ज़्यादा soil को वो erode करके ले जाएगा, यानी। एंड सेकेंड फैक्टर इज द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स को जब हम काट देते हैं, प्लांट की जो रूट्स होती है वो सॉइल को बांध कर रखती हैं, लेकिन जब हम प्लांट की कटिंग कर देते हैं तो वो सॉइल क्या होता है, बाइंड नहीं हो पाता है और वाटर या विंड के थ्रू वो इरोड हो जाता है, यानी उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो ये दो चीज़ें, दो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सॉइल इरोजन कॉज करता है। सॉइल इरोजन में सॉइल की जो फर्टाइल लेयर होती है, यानी अपर लेयर जो होती है, जो ज़्यादा फर्टाइल होती है जिसकी वजह से क्रॉपिंग अच्छी होती है, वही लेयर उड़कर चली जाती है, इसलिए सॉइल जो होता है वो अनफर्टाइल हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड मेक्स द लैंड बैरन, यानी सॉइल इरोजन की वजह से जो फर्टाइल लेयर है वो उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, जिसकी वजह से वो जो ज़मीन होती है वो बैरन हो जाती है, बंजर हो जाती है, या उसमें फर्टिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट, इंक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर रिजल्ट इन वाटर पॉल्यूशन, यानी कि जब उस सॉइल में वो सॉइल फर्टाइल नहीं होगा तो उसमें हम अलग से फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन भी कॉज करेगा, सॉइल पॉल्यूशन भी कॉज करेगा। नेक्स्ट इज द सॉइल इरोजन ऑल्सो लीड्स टू डिसर्टिफिकेशन। डिसर्टिफिकेशन रिफर्स टू इंक्रीज ऑफ डेजर्ट एरियाज, यानी डिसर्टिफिकेशन की वजह से डेजर्ट एरियाज क्या होते हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं। सॉइल इरोजन कैन ऑल्सो लीड टू ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, यानी कि सॉइल इरोजन की वजह से सूखा और बाढ़ भी हो सकता है। आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द सॉइल पॉल्यूशन। हाउ सॉइल गेट्स पॉल्यूटेड, यानी सॉइल कैसे पॉल्यूटेड होता है। देर आर मेनी डिफरेंट वेज दैट सॉइल कैन बिकम पॉल्यूटेड, सच एज पहला सीपेज फ्रॉम लैंडफिल, डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इन टू द सॉइल, यानी कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसका डिस्चार्ज होना, सॉइल में मिलना, परकोलेशन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर इन टू द सॉइल, यानी कि सॉइल से रिसता हुआ जो पानी वो नीचे की तरफ जाता है, ज़मीन में अंदर की तरफ जाता है, जिसे हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, तो उसमें जो कंटेमिनेटेड यानी गंदा पानी है तो वो सारी जो गंदगी होती है वो सॉइल में रुक जाती है और नीचे जाता है पानी वो प्योर होता है। तो जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है उसकी वजह से भी सॉइल पॉल्यूशन कॉज करता है। नेक्स्ट, एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड हर्बिसाइड और फर्टिलाइज़र, जो हम खेतों को फील्ड्स में अपने क्रॉपिंग को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइज़र हर्बिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट्स को मारने के लिए जिससे कि क्रॉप ख़राब ना हो, उनकी वजह से भी सॉइल पॉल्यूशन होता है। कौन कौन से केमिकल्स कॉमन हैं जो सॉइल पोल्यूशन को कॉज करते हैं। पहला पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स, हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड्स, सॉल्वेंट, दीज आर सम कॉमन केमिकल्स इन्वॉल्व इन कॉजिंग सॉइल पोल्यूशन। एज द वर्ल्ड बिकम्स मोर इंडस्ट्रियलाइज, जैसे जैसे हमारा जो वर्ल्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज होता जा रहा है, इंडस्ट्रीज आती जा रही हैं यहाँ पर, वैसे वैसे सॉइल पोल्यूशन का इफेक्ट जो होता जा रहा है वो बढ़ता जा रहा है, प्रॉब्लम्स जो होती जा रही हैं वो ज़्यादा होती जा रही हैं।
कभी कभी सॉइल पोल्यूशन जो होता है वो वाटर पोल्यूशन की वजह से भी कॉज करता है, यानी जो गंदा पानी होता है, कंटामिनेटेड वाटर होता है और सॉइल में मिक्स हो जाता है, जिनकी वजह से सॉइल भी क्या होते हैं, पॉल्यूटेड हो जाते हैं। नाउ दिस चैप्टर हैज़ कम्प्लीटेड। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड द चैप्टर आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।